पिछले 29 जुलाई रविवार को दिल्ली स्थित नवी करीम नामक मोहल्ले में एक बैग बनाने वाले फैक्ट्री में कार्यरत सोनो थाना क्षेत्र के डोढ़ी पंचायत अंतर्गत तिलवड़िया गांव निवासी पूरन मियां के 17 वर्षीय पुत्र एहसान अंसारी के अचानक गायब हो जाने की सूचना पाकर पिता पूरन मियां तथा माता रहीमा खातून का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। को बता दे कि जब हमारे संवाददाता मामले की पड़ताल किया तो ये बात सामने आया। 3 माह पूर्व पूरन मियां के सगा भाई जसिन अंसारी के बातों पर उसके बैग फैक्ट्री में काम करने के लिए अपने लड़कों को भेजा, जिसमें प्रति माह 4,000 रुपए देने की बात बताई गई थी। अब एकाएक बच्चे की गायब होने की खबर सुनकर माता पिता के साथ ग्रामीणों में भी दहशत फैल गया है। बच्चे की माता पिता ने बच्चे की खोजने के लिए शासन प्रशासन और अपने भाइयों के साथ निवेदन किया है कि उनकी बच्चा को जल्द से जल्द खोजा जाए। एतवार शाम को 6 बजे कहाँ से? दिल्ली से। अभी नवीकरण कब गया था? कब गया था वहाँ? 2 महीना हो गया। कहाँ काम करता था? मतलब है 4,000 रुपये वही काम कर रहा था। बताओ था की खोजबीन की खोजबीन कर रहा है, पूछते हैं, कहता है कि कोई नहीं, लेकिन कुछ अब देखिए। अब ये इनके पिताजी थे और जो लड़का खो गया उनके माता जी से बात करना चाहते हैं। इनका देखिए स्थिति क्या हो गया, बेटा खो जाने के बाद इनका माँ का स्थिति क्या हो गया, इनसे थोड़ा जानना चाहते हैं। आइए। और इनका ये देख रहे हैं कितना गरीब व्यक्ति है। इनका मकान आप देख सकते हैं, खपड़े का मकान है, उन्हीं बच्चा के बदौलत इनका परिवार चलता था। अब देखना इनका बच्चा कैसे मिलता है, इसके विषय में थोड़ा सा और ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा बताएं। मैं मोहम्मद रियाज अंसारी वरिया गांव से, ग्राम पंचायत ढोंगरी राज, प्रखंड सोनो, जिला जम्मू से बोल रहा हूँ। ताहिर अंसारी का लड़का उर्फ पूरन मियाँ का बेटा 29/7 को संध्या 6 बजे दिल्ली नवी करीम से गायब हो गया है, जो लापता है। उनका चचा यहाँ से ले गए थे 4,000 रुपया महीना का करके। उनका चचा का नाम क्या है? जसीम नाम है। वो ले गया और लड़का अभी तक पता नहीं चल रहा है। की जा रही है। जब हमारे संवाददाता ग्रामीणों और उनके माता पिता के बयान लेने के बाद जब गांव के वार्ड सदस्य इस मामले में जानना चाहा तो वार्ड सदस्य ने कहा, गांव से जुड़े हैं इस पंचायत के वार्ड सदस्य मंसूर अंसारी, ये बच्चा जो खो गया इनके विषय में जानना चाहेंगे इनसे दो बातें। या फिर क्या ये बच्चा जो गायब हो गया इसके विषय में क्या होना चाहिए, कैसे बच्चा उपस्थित होना चाहिए? आपकी इनका बच्चा जो खो गया है कैसे मिलना चाहिए? हम दोनों पर प्रखंड के हैं, वार्ड सदस्य 3 नंबर पंचायत। यार कैसे बच्चा खो गया है, और बच्चा जो खोने के बाद यहाँ लोग पीट रहा है, कान रहा है, बच्चा तक अभी तक नहीं मिला, ये बच्चा कैसे मिलेगा? आप लोग धन्यवाद।